अपनी पिस्टल नहीं थी, आपके पास सिर्फ एक लाठी थी, आपने ये कैसे कंट्रोल की सिचुएशन, कहाँ की सिचुएशन थी? सिचुएशन मैम मौजपुर की तरफ हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, वहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा था शांतिपूर्ण। अचानक से भीड़ उग्र हो गई मैम दूसरी साइड से और पथराव शुरू हो गया था। हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे दूसरे रोड की तरफ से। मुझे जैसे ही गोली की आवाज़ सुनाई दी, मैं इस तरफ आया तो देखा एक लड़का भागता हुआ आ रहा है, और फिर उसको मैंने थोड़ा डराने की कोशिश की डंडा दिखा के, और उसका माइंड डाइवर्ट हुआ मैम। वो मेरी तरफ आता हुआ बढ़ता हुआ आया, और कुछ मैंने उसको और थोड़ा बहुत और डराने की कोशिश की। फिर उसके बाद वो एक फायर राइट में करके और वापस चला गया मैम। तब जी तक सारी पब्लिक पीछे की तरफ जा चुकी थी, फायरिंग रेंज से बाहर हो चुकी थी। जी तो सर, किसी तरह के आपको कंफ्यूजन हुआ माइंड में, या किसी तरह का डर लगा कि नहीं अगर जी, गोली चला देता तो नहीं ऐसी कोई कैसे? कन्फ्यूजन नहीं थी तो सर। आपने उसके माइंड को कंट्रोल कैसे किया, कैसे आपने उसको फायर करने से रोका? वो हो सकता था आप पे फायर कर सकता था, या किसी सिविलियन पे कर सकता था? जी जी मैम, ये तो एक ट्राई है मैम, उसमें ट्राई की थी मैंने, उसको डंडा दिखा के डराने की कोशिश की थी कि ये तो एक कोशिश है मैम, उसमें कर सकते हैं। वो खराब कर भी सकता था फायर, जी लेकिन मैं कामयाब रहा मैम उसको। सर, आने के बाद ऑफिसर्स ने आपको किस तरह से प्रेस किया, या फैमिली मेंबर ने किस तरह से आपको बोला कि हाँ आपने एक अच्छा काम किया, या आपको खुद को फील हुआ होगा कि? हाँ मैम, 2 दिन के बाद फैमिली को पता चला था, फिर थोड़ा नर्वस थे, और पिताजी ने अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी ऐसे ही अपनी पब्लिक की सुरक्षा करते रहिए, पापा जी ने ऐसे बोला सर। और अभी ऑफिसर्स तो सर अभी कर रहे हैं, वो सभी बिजी हैं मैम। जी और सर, आपकी फैमिली में क्या बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली ने ऐसे आपने बताया कि बैकग्राउंड मैम, दादाजी थे वो भी आर्मी से ही रिटायर हुए थे, और पापा जी भी रिटायर हैं मैम इंडियन कोस्ट गार्ड से। मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, सबसे छोटे मेरे बीच वाला भाई भी दिल्ली पुलिस में है, और छोटे वाला इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो अभी आपकी स्टडी चली रही है दिल्ली पुलिस में, आपकी ट्रेनिंग चली रही हाँ है? ट्रेनिंग है मैम, ये मैं कांस्टेबल भर्ती हुआ था मैम 2010 में, उसके बाद ये मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है मैम हेड कांस्टेबल के लिए, अब उसकी ट्रेनिंग चल रही है मैम यहाँ पे 3 महीने से।